आप नहीं देख रहे हैं, ईडी रोज बुला रहे हैं राहुल गांधी को, उसके बाद सोनिया गांधी को बुलावेगा, उसके बाद ममता बनर्जी को बुलावेगा, उसके बाद जितने विपक्ष के हैं सबको बुला बुला के वो डराना चाहेंगे और बंधन में बंध के कोई बोले नहीं हमारे खिलाफ। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो भी विपक्षी दल के हैं या हिंदुस्तान के रहने वाले हैं पॉलिटिशियन, वो विरोध करेंगे इनका, चाहे उनको फांसी पर कहने चढ़ा दे, अंग्रेज वाला शासन ही लागू कर दे। उनके शासन में होता था कि जो बोला उसको गोलियां मार दो, फांसियां पचा दो, वैसा ही भी वहाँ मंदिर है उसमें, वहाँ मंदिर है तो वहाँ मस्जिद है उसमें, हिंदू मुसलमान करके इन्होंने फिर चाहेंगे कि हम वोट एकत्र करें। कभी इन्होंने महंगाई पर बोले आज तक किसी मंच से कहीं भी नहीं? कभी इन्होंने बोले कि इतना बेरोजगारी बढ़ गया है? कभी नहीं बोले इन्होंने। इन्होंने कहा आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। लेकिन अब जबकि बिहार सरकार और यहाँ से कैबिनेट से पारित भी हो चुका है, तो जातीय जनगणना को लेकर क्या विचार रखते हैं अलग अलग दल के लोग, अलग अलग संगठन के लोग, अलग अलग जाति के लोग किस तरह का विचार रखते हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार सिंह जी। सर आपका शेरघाटी आजकल में स्वागत है। जी सर, जातीय जनगणना को लेकर क्या स्थिति है, क्या इसका क्या लाभ होगा जातीय जनगणना का? इमरान साहब, जातीय जनगणना से तो जनता को बहुत फ़ायदा है। दबे कुचले लोग, दलित, अति पिछड़ा और इसी तरह के जैसे लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा जातीय जनगणना से है, उनको बहुत फ़ायदा इस जातीय जनगणना से है। जातीय जनगणना तो बहुत पहले ही होना चाहिए, मांग रखा गया था, लेकिन कुछ लोग विरोध करते थे, कुछ पार्टियां के लोग विरोध करते थे, जिसमें अब तो कांग्रेस खुली तरह से साथ है और मजबूरी बस भारतीय जनता पार्टी को भी साथ होना पड़ा। मजबूरी में उन्होंने देखा कि सारे विपक्षी पार्टी एक तरफ हो गए हैं, जातीय जनगणना के हित में हैं, उन्हीं के तरफ हैं। तो इनके हमारे प्रधानमंत्री जो देश के हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपना सहमति किसी मजबूरी में साथ उनको देना पड़ा कि जातीय जनगणना हो। तो जातीय जनगणना से तो फ़ायदा है हम गरीबों का, आबादी हमारी। विरोध क्यों, भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको विरोध क्यों कर रहे थे कि जातीय जनगणना ज़रूरी नहीं है? हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई गरीब मजबूरी में उनको उल्टा सीधा समझा करके वोट ले लें, लेकिन उनका हित की बात कभी नहीं किया इन्होंने। इन्हें तो बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोगों का इनका साथ है, उनका गरीब से क्या इनको मतलब? गरीब के तो उल्टा सीधा समझा करके मैं मंदिर वहीं बनाऊंगा, बनाइए भाई, क्या उसमें गरीब पूजा नहीं करेगा, अमीर भी करेगा, मंदिर तो हर जगह है, तो इसमें क्या हम लोग को रोज़गार मिल जा रहा है? आपका देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत सा नाम हो रहा है विदेश में, बेरोजगारी दूर हो रही है, महंगाई कम हो रहा है, मंदिर तो बनते आया है आपका सदियों से, बनते रहेगा, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन जनता को बरगरा करके क्या मिलेगा जातीय जनगणना का, रियल में लाभ क्या मिलेगा? लाभ तो बहुत मिल, जातीय जनगणना जो होगी उस पर रहेगा कि इस जात का इतना वोट है, ठीक है, उसमें हमारा अधिकार मिलेगा। अच्छा। उसमें जो इतना हमारा अधिकार होना चाहिए, आबादी हमारी और राज को यार भोग रहा है, वोट में तो लाभ मिलेगा क्या? शैक्षणिक संस्थानों में या उनके विकास में या उनके उनकी जो योजनाएं उनके लिए आएंगी उनके लिए जी। किस तरह का लाभ मिल पाएगा आपको, क्या लगता है? सब तरह का लाभ मिलना चाहिए और मिलना हो, देना होगा लाभ। अच्छा। जातीय जनगणना के बाद लाभ तो देना ही होगा सरकार को, चाहे सरकार किसी का हो, हठ धर्मी चलेगा नहीं उनका, जोर जबरदस्ती चलेगा नहीं। आप देखिए, एक बात बोलते हैं इमरान साहब, आप बहुत काबिल पत्रकार हैं, बहुत पुराना है, बहुत समझे हुए हैं, आप देखिए आज जो 4 साल के लिए नौकरी के लिए निकाले हमारे प्रधानमंत्री अग्निपथ, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा लड़का? 25 साल के बाद कहाँ उनको नौकरी मिलेगा? कहाँ जाएंगे नौकरी के लिए? कहाँ दर दर के ठोकरे खाएंगे वो? जरा सोचिए तो कहाँ से ही आए। आज विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं, हर जगह स्टूडेंट लोग कर रहे हैं कि हम 4 साल नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? नौकरी छोड़ के जब घर में जाएंगे तो उनके बीवी बाल बच्चा पहले उनको कहेगा कि आप जाइए,
यहाँ रखा गया है। तो सेंट्रल मिनिस्टर तो अभी भी दलील दे रहे हैं कृषि कानून की तरह कि ये जो लाया गया है अग्निपथ ये सही है। अब तो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो वो तो दलील देंगे ही, कृषि मंत्री ना नहीं अभी इसी विभाग के मंत्री, इसी विभाग कृषि कानून को लेकर उन लोग दलील पहले देते थे कि कानून सही है, लेकिन उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया। लेकिन अभी इस मुद्दे को, अग्निपथ वाले मुद्दे को भी कह रहे हैं कि ये भी वापस लेंगे। वो चार साल के लिए नौकरी देगा, कौन जुआ जाएगा अपना भविष्य बिगाड़ने के लिए, सो आप बताइए। चार साल के बाद वो कहाँ जाएगा, अपने बीवी बाल बच्चा माँ बाप को क्या खिलावेंगे, क्या पढ़ावेंगे, कहाँ उनको नौकरी मिल जाएगा। अरे ऐसा कीजिए कि हाँ उनको नौकरी हो, लगे कि हाँ हमको नौकरी मिला, सरकार दिया, नहीं लॉलीपॉप है एकदम एकदम। आज नहीं रहता तो इतना, देखिए कितना ट्रेनें बंद हो गई बिहार में, कल आज भी प्रदर्शन है, और बिहार का आपका हरियाणा है, आपका यूपी है, हर जगह हो रहा है, विरोध तो होगा ही, एकदम वाजिब विरोध होना। बोल रहे हैं कि ये विपक्ष की साजिश है, विपक्ष उनको बरगला रहे हैं। विपक्ष के तो जितने हैं आप नहीं देख रहे हैं, ईडी रोज बुला रहे हैं राहुल गांधी को, उसके बाद सोनिया गांधी को बुलावेगा, उसके बाद ममता बनर्जी को बुलावेगा, उसके बाद जितने विपक्ष के हैं सबको बुला बुला के वो डराना चाहेंगे और बंधन में बंध की है, कोई बोले नहीं हमारे खिलाफ, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो भी विपक्षी दल के हैं या हिंदुस्तान के रहने वाले हैं पॉलिटिशियन, वो विरोध करेंगे इनका, चाहे उनको फांसी पर कहने चढ़ा दे, अंग्रेज वाला शासन ही लागू कर दे। उनके शासन में होता था कि जो बोला उसको गोलियां मार दो, फांसी पचा दो। इनको चाहिए एकदम यस मैन, तो पूरा हिंदुस्तान यस मैन कैसे हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हाँ एक मिनट हो, ये अपना भविष्य 24 के लिए कर रहे हैं, वहाँ मस्जिद है, वहाँ मंदिर है, उसमें वहाँ मंदिर है तो वहाँ मस्जिद है, उसमें हिंदू मुसलमान करके इन्होंने फिर चाहेंगे कि हम वोट एकत्र करें। कभी इन्होंने महंगाई पर बोले आज तक किसी मंच से, कहीं भी नहीं कभी इन्होंने बोले कि इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, कभी नहीं बोले इन्होंने। इन्होंने कहा कि मैं वहाँ देखिए तो जी, अबू शर्मा जी क्या आपका दे दिए स्टेटमेंट, कितना बवाल पूरे देश में है, क्या जरूरत है दिलवाना आपको, कोई अच्छा बात उनको उनसे कहवाते जिससे एकता बढ़ता। आप कहाँ भेज दीजिएगा मुसलमान को, हम खुद से बताइए, एक दूगो रहेगा तो आप निकाल दीजिएगा, आप 20-25 करोड़ यहाँ हिंदुस्तान से कहाँ भेज दीजिएगा। ये सब उनको बरगलाने या उतरा चौली करके वोट को एकत्र करना है, हमारे हिंदू समाज के लोग जो हैं या मुसलमान समाज के लोग मिल के रहना चाहते हैं। आप मानते हैं कि नुपुर शर्मा का बयान भी राजनीतिक साजिश के तहत पूरा कि देश में बवाल हो, जी बवाल हो, हाँ एकदम एकदम, ये तो साजिश ही है, जी जी एकदम एकदम ठीक, धन्यवाद, ठीक थैंक यू इमरान साहब।